और 53 साल से लगातार जो है यहाँ पे कुश्ती का प्रोग्राम किया जाता है। देख सकते लेडीज के भी दंगल होला होला, कोना कोना से लोग आवला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके टीवी इंडिया और आज हम पहुंच चुके हैं नरहवा सुकुल में, दोना सुकुल बाबा धाम में। यहाँ पे हर साल जो है 53 साल से लगातार जो है यहाँ पे कुश्ती का प्रोग्राम किया जाता है। जिस दिन छठ पूजा खत्म होता है उसी दिन से यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के कमेटी के लोग हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। बाबा सबसे पहले नमस्कार, कैसन बानी आप? ठीक बानी। ये पूजा के बारे में बताएं, छठ पूजा जैसे खत्म होता है, ये जब प्रोग्राम होता है कुश्ती के मेला लगेला और भैया के बाद मेला स्टार्ट हो जाला। जैसे और मतलब छठ पूजा खत्म हुई वैसे जब मेला शुरू हो जाए। शुरू हो जाए। लगभग कितना साल से जब मेला शुरू होता है? 1970 से लगातार 53 साल। 53 साल लगातार लागत ऐसा हो गई। हाँ। और 53 साल से लगातार जो है यहाँ पे कुश्ती का प्रोग्राम किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो है कुश्ती का पूरा जो बना रहता है, इसको क्या बोलते हैं बाबा? अखाड़ा। अखाड़ा, अखाड़ा का पूरा तैयारी हो चुका है। कल 2 बजे से नहीं बाबा? हाँ, लेटेस्ट 2 बजे। लेट सेट 2 बजे। हाँ। 2 बजे से जा, मतलब दंगल चालू हो जाएगा। दंगल शुरू हो जाएगी। हाँ। अच्छा, दंगल में कहाँ कहाँ से लोग पहलवान आवेला? दंगल में पहलवान गोरखपुर, गाजीपुर, बनारस, देवरिया, अयोध्या, आप इधर चंपारण से भी आते हैं कुछ। मतलब कि इंडिया के कोना कोना से लोग आवेला। हाँ। देखे वाला भी तो काफी भीड़ लग गया। अभी तो हाँ। लोग देखा तो कम लोग, बहुत सन्नाटा हुआ। मगर कल का जो वीडियो आने वाला है ये पूरा फुल रहेगा। आप लोग को यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं रहेगा और इंडिया के कोने कोने से यहाँ पे पहलवान आते हैं और 53 साल से लगातार यहाँ पे दंगल का प्रोग्राम किया जाता है। सुनने में आवेला कि ये लेडीज के भी दंगल होला। हाँ, होला। कहाँ कहाँ से वो लोग आवेला? कहाँ से? गाजीपुर से आते हैं लोग, बनारस से आते हैं, मऊ से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं। अच्छा, ऐसे काफी दूर दूर से पहलवान आते हैं मेला में। लेडीज पहलवान की बात किया जाए, लेडीज पहलवान ही उतना ही दूर से आते हैं। अच्छा, हर साल के जैसे इस साल भी आएंगी? हर साल के जैसे इस साल भी आएंगी और आगे आने वाली भी मेला में वो लोग आते ही रहेंगे। अच्छा, मतलब लगातार आएंगे। अच्छा बाबा, ये जाने कोशिश करम कि मेला तो माने कि छठ पूजा जब से खत्म हो तो वही दिन लागी, कौन दिन रही मेला? 2 दिन लगातार मेला लागल। हाँ, लगातार 2 दिन। अच्छा, रात में जो प्रोग्राम हुई ये कौन प्रोग्राम है? वही सांस्कृतिक कार्यक्रम। अच्छा, ये मतलब कल से लग जाए रात में? हाँ, यो 2 दिन चली। हाँ, यो 2 दिन चली। दंगल भी 2 दिन चली। हाँ। बहुत बढ़िया मेला भी ऐसा लागल। हाँ हाँ, बहुत विस्तार पर अब तो लोग का ओड़े के जोग है ना मिल पावल। अच्छा बाबा, यो सुन ले बानी कि सबसे पहले राउरी में प्रक्रिया ज्यादा रहे? हाँ, रहेला रोगे बानी रोगे माध्यम से हर साल मेला लागल। एकरा बारे में लोग के का बताओ चाहते हैं? लोग के बताओ चाहते हैं मैं सब लोग का सहयोग रहो। हाँ। वो कैसे सीख ले लो। हाँ। आवे वाला समय में रोगा बात क्यों ना क्यों आगे आवे का पड़ी। हाँ, आई अब यही जवान में सुनवाई लो आगे। हाँ। यहाँ के कुछ और भी लोग हैं तो उनसे भी बात करना, कैसे हैं भैया? बढ़िया है। सबसे पहले बताइए कि आपके यहाँ आपके गाँव में ये दंगल कराया जाता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं। अरे, 10 किलोमीटर के रेंज आदमी आते हैं। अच्छा, लोगों के लिए क्या कहेंगे? कहेंगे कि आइए आप लोग भी, मेला का मजा लीजिए, एंजॉय करिए, एंजॉय कीजिए। और यहाँ पे कुछ और आदमी हैं तो कैसे हैं भैया? मस्त। कैसा लग रहा, मतलब कि छठ पूजा के सुबह में समझ लीजिए जिस दिन अर्घ खत्म होता है उस दिन यहाँ पे दंगल शुरू हो जाता है और मेला भी काफी बहुत अच्छा लगता है, और इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे, हम यही कहना चाहते हैं कि सब जितने भी लोग हैं, आपकी चैनल देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, सभी लोग आए मेला के एंजॉय करें। बहुत काफी भीड़ लगता है मेला में। हम सुने हैं कि कम से कम 30-40 किलोमीटर से लोग दंगल देखने के बिल्कुल आते हैं। 30-40 किलोमीटर के दूर से बिल्कुल लोग आते हैं। हाँ, ये आप बिल्कुल सुने हैं। आप कहाँ से? मैं भी यहीं से हूँ। क्या कैसा लग रहा है ये जो दंगल का प्रोग्राम है, 53 साल से लगातार किया जा रहा है? बहुत अच्छा है। यहाँ का जो यूनिटी है, इस गांव का जो यूनिटी है और बाबा दोना सुकुल का जो कृपा है इस गांव पे, उनके आशीर्वाद से गांव मतलब बहुत ही आगे की तरफ जा रहा है। आगे मतलब तरक्की होते जा रहा है। तरक्की हो रहा है हमारे गांव में और इसलिए बाबा के नाम पे हर साल यहाँ पे मेला का आयोजन किया जाता है अखाड़े का। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ का कमेटी बहुत अच्छा है। कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 53 साल से लगातार यहाँ मेला का आयोजन होता है और छठ के शुरू हो जाता है, क्योंकि कहीं देखा जाए तो लोग कमेटी बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं, 2-4 साल के लिए दो लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उसके बाद जो भी
प्रोग्राम कराते वो खत्म हो जाता, मगर मानना पड़ेगा कि 53 साल से यहाँ लगातार कुश्ती का आयोजन होता है और दूर दूर से पहलवान आते हैं। तो बाबा कैसा लगता है 53 साल से आप लोग का टीम जो बना है इतना मजबूती है अभी तक, आगे क्या रहेगा? अब आगे भी रहेगा मजबूती, कोशिश रहेगा कि ऐसे ही चलता रहे। प्रोग्राम की बात किया जाए तो भैया प्रोग्राम में किस तरीके का प्रोग्राम होगा यहाँ? यहाँ जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, उसमें माता बहन सभी लोग आके यहाँ बैठ के रात में 2 घंटे 4 घंटे प्रोग्राम का बढ़िया से एंजॉय लेते हैं। अच्छा, आपके गांव में आपके क्षेत्र में प्रोग्राम होता है, उसके बाद 30 से 40 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं? लोग यहाँ आते हैं। कैसा लगता है आप लोग? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, लोगों को सुविधा दिया जाता है यहाँ पे? हर एक चीज का, कोई परेशानी तो नहीं होता? कोई परेशानी नहीं, बाहर के लोग आते हैं उन लोग का खाना के लिए भी भोजन का व्यवस्था रहता है। देख सकते हैं ये क्षेत्र जो है यहीं पे दंगल होगा और चारों तरफ से ये भर जाता है। कल की वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे। और देखिए ये जो पोखरा है, पोखरा जो तालाब बोला जाता है, पोखरा के तीन तरफ से देख सकते हैं छठी माता का पूजा होता है हम लोग के यहाँ। हिंदू धर्म में सबसे महापर्व माना जाता है छठ पूजा। जो बिहारी हैं, जो अपने बिहार के निवासी हैं, वो लोग अभी देख सकते हैं कि ट्रेन में कैसे लटक लटक के जो है छठ पूजा करने के लिए आ रहे हैं। और इसी छठ पूजा के जिस दिन अर्घ खत्म हो जाता है उसी दिन यहाँ पे दंगल शुरू होता है। और ये दंगल दो दिन रहता है और 2 दिन में ये पूरा जो है जगह भर जाता है और 30 से 40 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। तो ऊपर पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं? तो भैया कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं। यहीं से आपके यहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है छठ पूजा के सुबह में जो है, यहाँ इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, दूर दूर से लोग देखने आ रहे हैं, इतना बड़ा मतलब दंगल तो आप तो समझ लीजिए सुनने में आता कि यहाँ पे दंगल हो रहा है और यहाँ पे लगातार 53 साल से लगातार हर साल हो रहा है, तो यहाँ के निवासियों को तो बहुत खुश होना चाहिए। बहुत खुश है हम लोग, बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। क्या कहना चाहेंगे आसपास? चल रहा है, अब कब तक चलेगा वो तो ऊपर वाले जाने। हाँ, तो आजकल तो आदमी का चल रहा है, अभी तो बहुत दिन से चल रहा है, हम लोग बहुत छोटे थे तब से। अच्छा अच्छा, 53 साल तो कम नहीं होता है, कमेटी का यहाँ का तो धन्यवाद देना चाहेंगे। 53 साल से कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू गैपिंग नहीं है। अच्छा अच्छा, तो कल कितने बजे शुरू हो जाएगा? कल वही 1:30 बजे। 1:30 बजे। तो जो लोग अगर इस मेला को देखने आना चाहते हैं, इस कुश्ती को देखना आना चाहते हैं, तो 1 बजे से 5 बजे तक अगर आप लोगों को दंगल देखना है तो यहाँ पे आ जाइएगा। और दंगल भी भाई बहुत जबरदस्त होता है। फिर से यहाँ पे हम आएंगे, आप लोगों को लाइव भी दिखाएंगे, वीडियो भी बनेगा, सारे चीज होगा। तो एक बार आए यहाँ पर देखें, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी आप लोग देख रहे थे MK TV इंडिया के साथ मोनू राज को, धन्यवाद।